गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब संघ के शासन में कल तक हमने देखा था डिवीजन ऑफ पावर कैसा है, शक्ति का विभाजन कैसा है, शक्ति की साझेदारी कैसी है। अब दोस्तों जरा शक्ति के विभाजन के साथ, क्योंकि आप याद रखो जब आप कहते हो कि हमने रूममेट के साथ अपना विभाजन कर लिया, अपने संघवाद पढ़ा और कहा कि अब सर तो विभाजन होगा और एक पर्ची पे चिपका दिया कि मेरा रूममेट ये काम करेगा, मैं ये काम करूंगा, डिवीजन ऑफ पावर हो गया। लेकिन दोस्त सोचो, दोस्तों अगर आपका दोस्त बीमार हो जाए तो आपका दोनों भैया डिवीजन ऑफ पावर है, इसमें तो हम किसी की हेल्प नहीं करेंगे। अरे दोस्तों एक ही कमरे में आप रह रहे हो, आपका पार्टनर भी है, आप भी हो, और आप हेल्प नहीं करोगे तो सिस्टम चलेगा ही नहीं। यानी दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती रहेगी। ठीक वैसे अगर आप ध्यान से देखो, सही मायने में अब संघ सरकार के पास रेल है, राज्य कह दे भैया हमारी जेमी में लेके मत निकलो, मोदी जी रेल कहाँ चलाएंगे। अब कोरोना को नियंत्रित करने के लिए संघ राज्य दोनों ने आपस में सहयोग किया। इसका सीधा सा मतलब है कि बिना संघ और राज्य के आपसी सहयोग से शासन चल नहीं सकता। आप कहोगे सर ये डिवीजन और सहयोग दोनों के साथ साथ कैसे चलेगा? चलेगा। तो दोस्तों फिर आप कहोगे कि भारतीय संघ की विशेषता क्या है? आप कहोगे कि भारतीय संघ की विशेषता क्या मानी जाए? तो दोस्तों पहला कुछ आलोचक क्या है? जो आलोचक हैं वो कहते हैं, वो आलोचक ही कहते हैं कि भारतीय संघ में केंद्रीकरण की प्रवृत्तियां ज्यादा हैं, संघ सरकार शक्तिशाली है। अब चूंकि भारतीय संघ में केंद्रीकरण की प्रवृत्तियां ज्यादा है, संघ सरकार शक्तिशाली है, जो हमने अभी तक देखा, इसलिए अमेरिका के विद्वान एसी हुयर, अमेरिका के विद्वान ने बात कह दी, भारत का संघ पूरा संघ नहीं है, ये तो आधा संघ है। तो उन्होंने कह दिया अर्धसंघात्मक है। कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि भारतीय शासन आपातकाल में संघात्मक रहता ही नहीं, आपातकाल में तो एकात्मक हो जाता है। हम आगे आपको आपातकाल भी बता देंगे। लेकिन ये कहा गया कि भाई देखो ये तो आधा संघ है और आपातकाल में तो वो भी नहीं बचता, आपातकाल में तो पूरा ये एकात्मक ही हो जाता है। अब वास्तविकता की बात है, क्या भारतीय संघ आधा संघ है? क्या ये सामान्य परिस्थिति में संघात्मक है, आपातकाल में एकात्मक है? ऐसा इसका मूल्यांकन करना ठीक नहीं है। और दोस्तों अगर आपको याद होगा, ये मूल्यांकन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम अमेरिका को मॉडल मान के चलते हैं। भाई अमेरिका की परिस्थितियां अलग, हमारी परिस्थितियां अलग। और दोस्तों अगर अमेरिका ही संघ का मॉडल होगा फिर तो कनाडा भी संघ के ढांचे में फिट नहीं होगा, कनाडा में भी संघ सरकार ज्यादा शक्तिशाली है। इसलिए केसी वेयर की बात थोड़ा स्वीकार करने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि अब देखो हमारे यहां भाई हमारे संविधान की व्याख्या उच्चतम न्यायालय करता है, तो अब देखें जरा उच्चतम न्यायालय हमारे संघ के बारे में क्या कहता है। उच्चतम न्यायालय ने एस आर बोमई केस में, ये कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री थे, मामला था 1994 का, उच्चतम न्यायालय ने एस आर बोमई केस में ये कहा है कि संघीय शासन भारत के संविधान का आधारभूत लक्षण है। संघीय शासन भारत के संविधान का आधारभूत ढांचा है। यानी दोस्तों आधारभूत ढांचा हम अलग से ही पढ़ेंगे, लेकिन आधारभूत ढांचे का मतलब ये समझो कि भारत में संघीय शासन ये संविधान की आत्मा है, संविधान का दर्शन है। आधारभूत ढांचा मतलब ऐसे समझ लो, सब कोई कहे मैं शरीर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्या है, आपका वो दिल है, दिमाग है। इन दिल को निकाले शरीर तो नहीं चलेगा। अभी बात अलग है, कई लोग जीव विज्ञान के बजाय पता नहीं कौन से तर्क का प्रयोग करते हैं, दिल का लेना देना करते हैं। जीव विज्ञान के हिसाब से अगर हमने किसी को दिल दे दिया तो हम कैसे रहेंगे?
इसीलिए देखा जाए तो संघीय शासन भारतीय संविधान का एक आधारभूत ढांचा है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है। इसका मतलब यह है कि अगर संघीय शासन नहीं रहेगा तो भारत के संविधान की आत्मा नहीं रहेगी, दिल नहीं रहेगा। तो उच्चतम न्यायालय ने यह बात कह दी बोमई केस में कि नहीं भाई, संघीय शासन तो आधारभूत ढांचा है। तो अब सवाल है कि अब हम क्यों के सी यूर की बात माने, अमेरिकन विद्वान की बात क्यों माने? क्योंकि अमेरिकन विद्वान क्या कह रहे हैं, भारत में संघ ही नहीं है, उनकी बात हम नहीं मानेंगे। इसीलिए अगर कभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी आ जाए कि क्या भारत में आधा संघवाद है, तो नहीं नहीं भैया, ये आधा संघवाद कैसे है? उच्चतम न्यायालय ने कहा संघीय शासन संविधान का आधारभूत ढांचा है, और हकीकत की बात है कि हमारे संघीय शासन की विशेषता देखना हो तो देखो, एक तरफ संविधान में शक्ति का विभाजन है, और शक्ति का विभाजन तो हमने देख ही लिया, वो सातवीं अनुसूची से है। शक्ति का विभाजन सातवीं अनुसूची से है, इसमें लिखा गया है एक तरफ संघ की शक्तियां हैं, दूसरी तरफ राज्य की शक्तियां हैं। लेकिन एक ध्यान देने की बात है, आपने यह भी देखा होगा समवर्ती सूची है। इसका मतलब है भाई, समवर्ती सूची बताने क्या मतलब था, एक तो आपने शक्ति का बंटवारा कर दिया, तो क्या शक्ति का विभाजन और शक्ति का सहयोग, विभाजन का मतलब है संघ राज्य के काम अलग अलग है, पहला एक दोनों जो समकक्ष है, बराबरी वाला मामला है, कोई जूनियर पार्टनर नहीं दोस्तों, राज्य संघ का जूनियर पार्टनर नहीं है, दोनों समकक्ष है, इक्वल है। अब सवाल है जब दोनों इक्वल हो गए, दोनों बट गए, अब सहयोग का मुद्दा कहां से आता है? तो दोस्तों सहयोग हो सकता है, इसलिए शक्ति का विभाजन और सहकारिता, अब सहकारिता कहो सहयोग कहो, सहकारिता कहो सहयोग कहो, आप कहो कोऑपरेटिव। इसलिए हकीकत की बात तो ये है कि भारतीय संविधान कोऑपरेटिव है, सहकारी है, सहयोगी है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और दोनों बातें साथ साथ चल सकती हैं। और दोस्तों कैसे, अब जरा इस बात को देखो तो हमारे संविधान में तो कई चीज ऐसी है जो कोऑपरेटिव को आगे बढ़ाती है, संविधान में भी है, व्यवहारिक व्यवहार में भी है। और यकीन मानो दोस्तों, जब अमेरिकी संविधान बना तब 1930 के दशक में अमेरिका में एक आर्थिक मंदी आ गई, और तब अमेरिकी संविधान निर्माता, चूंकि अमेरिकी संविधान निर्माता पहले ये मान के चलते थे कि संघ का मतलब है बराबरी, बराबरी, जूनियरिटी सीनियरिटी नहीं होगी, इक्वल ऑटोनॉमस। फिर बाद में आप देखो कि अमेरिका में आर्थिक मंदी आ गई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गया, उसके बाद से संघ राज्य के बीच में तमाम सहयोग की आवश्यकता पड़ी, अमेरिका में भी सहयोग देखा गया। अरे अमेरिका में भी संघ सरकार राज्यों को आर्थिक सहायता देता है, ये सहयोगी तो है। इसलिए दोस्तों सहकारिता हो सकती है। अब मान लो कि हमने किसी से पैसा ले लिया, किसी से पैसा ले लिया तो हम उसको वापस कर देंगे, ऐसा थोड़े पैसा ले लिया तो हम उसके अधीन हो गए। तो संघ राज्य से जब पैसा ले लेता है तो उसके अधीन थोड़े हो गया। इसका मतलब है सहकारिता कहाँ होगी? सहकारिता इसका मतलब है कि आप पूछोगे कि अच्छा अच्छा सर, ये आप कह रहे हो सहकारिता का मतलब है जो संघ सूची के विषय हैं, जो संघ सूची के विषय हैं और जो राज्य सूची के विषय हैं, क्या उनमें सहयोग हो जाएगा, क्या उनमें अदला बदली हो जाएगी? नहीं नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, अदला बदली नहीं होगी। हकीकत की बात है सहकारिता प्रशासनिक मामलों में लागू होगी, और ये वित्तीय क्षेत्र में लागू होगी। सहकारिता सहयोग कहाँ होगा? प्रशासनिक मामले में, वित्तीय क्षेत्र में। सहकारिता सहयोग का ये मतलब थोड़ी है कि ये सूची के विषय इधर उधर हो जाएंगे। अब प्रशासनिक का मतलब क्या है? प्रशासनिक का सीधा मतलब है दोस्तों, अब जैसे कि अब अगर पश्चिम बंगाल में कोई आपदा आ जाए, तूफान आ जाए, यहाँ पर संघ और राज्य दोनों एक दूसरे को प्रशासन में सहयोग करेंगे। अब रेल की सुरक्षा के जिम्मेदार राज्य के पुलिस रहेंगे,
प्रशासन का मतलब है कि जब किसी कार्य को संपादित करने में संघ और राज्य इसी कार्य को संपादित करने में एक दूसरे की सहायता करेंगे। कोरोना का नियंत्रण सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अब मान लो सहकारिता का मतलब है भाई, ठीक है, लोक व्यवस्था राज्य का विषय है। अभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ने पूरे देश के डीजीपी के सम्मेलन को बुलाया, जो राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है, डायरेक्टर जनरल पुलिस डीजीपी। वही डीजीपी सम्मेलन क्यों बुलाया? क्योंकि अगर कहीं पे उग्रवाद है, कहीं पे माओवाद है, तो ये नियंत्रित करना सभी की जिम्मेदारी है। और सहकारिता का मतलब संघ और राज्य के बीच नहीं, राज्यों के बीच में भी दोस्तों, राज्यों के बीच में भी सहयोग होना चाहिए। कैसे? अब मान लो कि राज्य एक सड़क बना रहा है, उत्तर प्रदेश ने सड़क बनाया, अब वो सड़क मध्य प्रदेश तरफ जा रही है। मध्य प्रदेश कहे भाई हम तो इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। जरा सोच के देखो, चंबल नदी है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बीच में है। अब उत्तर प्रदेश सरकार कहे भाई माधा पुल बनाएंगे, मध्य प्रदेश कहे हम आधा बना देंगे, तब तो सहयोग हो गया। यानी सहकारिता मतलब है एक कदम आप बढ़ाओ, एक कदम हम आगे बढ़ाएंगे। यही दोस्तों जीवन में भी होता है। इसीलिए आधा आधा मिलकर दोनों बना देंगे, दोनों को फायदा। ये सहकारिता है। यानी सहकारिता से संविधान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, साथ ही अनुसूची के विषय में कोई हेरफेर नहीं होगा। अरे सहकारिता व्यवहारिक रूप में हो रही है। राज्य कह देगा भाई देखो हम जमीन आपको लेके दे दे रहे हैं, आप एयरपोर्ट बना दो। तो संघ सरकार ने कुशीनगर में एयरपोर्ट बना दिया। अभी आप देखो शिवमोगा में प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। तो अजब ये सब काम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि संघ राज्य के बीच सहयोग से ही मामला बनेगा। इसका मतलब वित्तीय क्षेत्र में कहा, अब संघ को राज्य को सहायता दे देना, राज्य को अनुदान देना, राज्य को वित्तीय सहायता दे देना। कि मान लो अगर उत्तराखंड में कई पहाड़ों में दरार आ रही है, तो संघ कहेगा भाई लो ये पैसा। इससे राज्य की स्वायत्तता में कोई नुकसान थोड़ी पहुंचा। इसका मतलब है कि संघ राज्य के बीच में सहयोग सहकारिता ही एक बड़ा कारण है। क्योंकि दोस्तों संघ का भी शासन पूरे भारत में है और राज्यों का शासन एक विशेष भूभाग में है। बड़े ध्यान में कभी कभी ध्यान से अब देखो संघीय शासन में क्या होता है। अब संघीय शासन में बड़े इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि सहकारिता क्यों चाहिए। जरा देखो दोस्तों संघीय शासन में होता क्या है। संघीय शासन में इधर संविधान है, इसी संविधान से एक तरफ मोदी सरकार आ गई, एक तरफ राज्यों की सरकार आ गई। संयोग है आम जनता दोनों के शासन में है। जो आम नागरिक है वो तो दोनों के भीतर है। यानी ये दिलचस्प मामला है कि जैसे अब जरा सोच के देखो, हम जैसे ही रेल में बैठते हैं हम मोदी सरकार के अधीन हो जाते हैं, जैसे राज्य के परिवहन में बैठते हैं हम राज्य सरकार के अधीन हो जाते हैं। सहयोग इस मामला बनेगा दोस्तों। और यकीन मानो देखो राज्य परिवहन वगैरह मामला तो बड़ा गड़बड़ कंडीशन में है। राज्यों की स्थिति यह है कि आप राज्य की बस में बैठ जाओ। एक बार मैं मध्य प्रदेश जा रहा था, बस में बैठ गया। मध्य प्रदेश वाले बच्चे इसका बुरा नहीं मानेंगे, मजाक की बात है। और देखो यही तो राज्यों की माली हालत है, काफी पहले घटना है। मध्य प्रदेश की बस में बैठा और पूरी बस ही बज रही थी और मैं ड्राइवर के बल बैठा था। मैंने कहा ड्राइवर साहब ये बताओ आपके बस में तो माइलोमीटर तो है ही नहीं है, तो कैसे ये नापते होगे कि बस की स्पीड कितनी है। ड्राइवर ने कहा चिंता मत करो, जब आप समझ लो कि बस के शीशे हिलने लगे तो 30 किलोमीटर रफ्तार, पूरी बस हिलने लगे तो 40 किलोमीटर रफ्तार। उनका उसके बाद उनका मैं हिलने लगूं समझ लो कि 60 किलोमीटर रफ्तार। मैंने कहा उसके बाद? उनका सर उसके बाद बस की स्पीड तेज होगी तो अगले दिन न्यूज़पेपर में छप जाएगा, इसका मतलब कहीं कहीं लड़बड़ी जाएगी। अब समझ लो कि ये राज्यों के हाल है। राज्यों की हालत थोड़ी कम कंडीशन खराब है, इसलिए संघ राज्य के बीच कोऑपरेशन होना चाहिए। इसलिए अभी देखो दोस्तों अब भाई राज्य राज्य संघ के बीच कोऑपरेशन नहीं हो तो कैसे मामला बनेगा। इसका मतलब है एक ही, दोनों ये कह रहे हैं कि एक ही जनता कल्याण करना, तो एक ही जनता कल्याण करना है, फिर तो सहयोग का मतलब होना चाहिए।
आपस में हमने इनको निर्माण इसलिए किया है क्योंकि दोस्तों हमारा लोकतंत्र है और आप जानते हैं लोकतंत्र में प्रभु तो हम हैं, जनता जनार्दन सरकार है। इसलिए संयोग की बात आप देखो, किसी भी राज्य में देखो, किसी भी राज्य में आम जनता पर एक तरफ मोदी जी का शासन है तो दूसरी तरफ किसका शासन है? योगी जी का शासन है। जनता तो एक ही है, तो मोदी जी और योगी जी में तो कॉपरेशन होना चाहिए, यही है सहकारी संघवाद। मोदी जी क्या करेंगे? बाहर से बुलाएंगे निवेशक, योगी जमीन उसके लिए दिलवाएंगे। इधर मोदी जी हैं, इधर नीतीश कुमार है, तो सहयोगी तो होना चाहिए। अब इधर दीदी है, इसका मतलब है कि आपस में सहयोग करेंगे, टीम इंडिया की तरह काम करेंगे, यही तो है सबका साथ सबका विकास। एक ही भूभाग पर दोनों के शासन चल रहे हैं, यही तो शक्ति की साझेदारी, पावर शेयरिंग। यानी भारत तो एक ही है, उसी में एक तरफ 28 सरकार चल रही है, राज्यों की सरकारें चल रही हैं, दूसरी तरफ संघ की सरकार है। दोस्तों सोचो, कॉपरेशन नहीं होगा तो कैसे? इसीलिए अब संघ का दायित्व तो क्या है कि बाहर से कोई हमला करे तो फिर संघ उसकी रक्षा करेगा, लेकिन पुलिस बनाए रखना राज्य का दायित्व तो है। कई बार आप देखोगे छत्तीसगढ़ में माओवादी हिंसा के खिलाफ संघ सरकार ने CRPF तैनात कर रखा है। अब CRPF तो संघ सरकार की पुलिस है, केंद्रीय बल है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। अब मोदी सरकार कहते नहीं भैया, तो लोक व्यवस्था का मामला है, तुम देख लो, हम नहीं करेंगे। कोऑपरेशन, सहयोग होना चाहिए। इसलिए हकीकत की बात है दोस्तों, सहयोग संघ राज्य के बीच, सहयोग राज्य राज्य के बीच, योगी और नीतीश कुमार के बीच भी सहयोग होना चाहिए। तो राज्य आपस में मिलते हैं, राज्य आपस में मिलेंगे तो सुरक्षा से लेकर स्वास्थ्य लेकर आपस में सहयोग होना चाहिए, झगड़े नहीं होंगे। इसलिए अब देखो, अब कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच आप झगड़ा देखते रहते हो। अब कर्नाटका महाराष्ट्र के बीच झगड़ा क्यों होता है? क्योंकि जो कर्नाटका के जिला है बेलगांव, उसे मराठी भाषी लोग ज्यादा संख्या में है, तो मराठी भाषी लोग ज्यादा संख्या में है तो कई बार महाराष्ट्र कहता है अभी हमें चाहिए हमें चाहिए, कर्नाटका कहता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सब राजनीतिक झगड़े हैं, हकीकत की बात है। इसलिए हमें निष्कर्ष लाना है, सहयोग है। लेकिन एक कमाल की बात है, इसलिए हमारे सहकारी संघवाद में सहयोग कहाँ था है, इसलिए देखो दोस्तों समोहती सूची है और हम अभी देखेंगे कि सहयोग कहाँ कहाँ हो रहा है। अब जरा देखें इस सहयोग कैसे हो रहा है। अगर यही सहकारी संघवाद है, यानी संघ और राज्य के बीच में वित्तीय प्रशासनिक क्षेत्र में सहयोग ही सहकारी संघवाद है। अब अगर यही सहकारी संघवाद है, देखिए कहाँ कहाँ सहयोग हो रहा है हमारे यहाँ, कहाँ कहाँ सहयोग हो रहा है, तो आपको बता दें दोस्तों कि संविधान में अनुच्छेद 263 में अंतरराज्यीय परिषद का निर्माण किया गया है। संविधान के आर्टिकल 263 में इंटर स्टेट काउंसिल है, इसका मतलब संविधान में ही हमारे यहां सहयोग की बात है। और अभी तो आप देखोगे 279A में GST काउंसिल है। जरा सोच के देखो, 279A में GST काउंसिल है, ये अंतरराज्यीय परिषद है, ये GST परिषद है, अनुच्छेद 279A में। भाई यहां जहां पे भी संघ सरकार, जरा सोच के देखो, एक तरफ तो अलगाव कर दिया गया है भाई, संघ की राजधानी दिल्ली में, राज्यों की राजधानी भोपाल से लेकर मुंबई से लेकर बेंगलुरु, ये राज्यों की राजधानियां हैं। लेकिन संयोग की बात है, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री साथ भी बैठता है, और वो कहां? अंतरराज्यीय परिषद में। अंतरराज्यीय परिषद बैठता है। अब अंतरराज्यीय परिषद में जरा देखो, उसके बाद हमारे यहाँ कई ऐसी संस्थाएं हैं जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है, जैसे क्षेत्रीय परिषद, जोनल काउंसिल। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं दोस्तों, ये भी संघ राज्य के बीच सहयोग को आगे बढ़ावा देती है। क्षेत्रीय परिषदें हैं, ये तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, ये तो कोऑपरेशन हो रहा है। जरा सोच के देखो, सातवीं सूची में जोन की बात नहीं है, एक सातवीं सूची में हर राज्यों को शक्ति है। पहली सूची में जहां राज्यों के नाम लिखे गए हैं, जोन की बात थोड़ी है। हमारे संविधान में राज्यों के समूह की बात नहीं की जाती। इसलिए अब जोनल काउंसिल क्या है, आप याद रखो दोस्तों, जो संविधान में बहुत बेसिक बात याद रख लें,
ये क्या है? संवैधानिक संस्था, शब्दों को ध्यान रख लो, ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में है। एक है कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक, ये भी संवैधानिक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है ये। और इंग्लिश शब्द को थोड़ा लिख लोगे तो कंफ्यूजन कभी नहीं होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। जो क्षेत्रीय परिषद है वो क्या है? स्टैट्यूटरी है, संविधिक है। इंटरेस्टिंग बात है, जो क्षेत्रीय परिषद है वो स्टैट्यूटरी है। इसका मतलब है, स्टैट्यूटरी का मतलब संविधिक। और दोस्तों ये बात इसलिए जरूरी है कि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं संवैधानिक और संविधिक में। दोस्तों इधर है संवैधानिक, इधर है संविधिक। अच्छा, कई बार संविधिक का हिंदी अनुवाद, कई बार इसका अनुवाद संविधिक करते हैं, कई बार इसका अनुवाद सांविधिक कर देते हैं। बात एक ही है दोस्तों, संविधिक कहो, सांविधिक कहो, या कहो वैधानिक, आशय एक ही है, स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी। शब्दों का हेरफेर गड़बड़ नहीं होना चाहिए, यानी जो चीज संसदीय विधि में है वो स्टैट्यूटरी, वो वैधानिक, वो सांविधिक, लीगल। इसका मतलब है ये लीगल है, स्टेचुटरी है, जो भी आप कह लो। इसका एक ये भी मतलब होता है, जो संविधान में नहीं है उसको एक और शब्द दिया जा सकता है, संविधानेतर। ध्यान सुनने की बात है, जो चीज संविधान में नहीं है उसका और एक हम नाम क्या दे सकते हैं? संविधानेतर, संविधान के इतर, अलावा, अतिरिक्त, यही संविधानेतर है। तो दोस्तों अब जब हम शब्द का प्रयोग करते हैं संविधानेतर, यानी संविधान के अलावा है, तो संविधान के अलावा का मतलब है इंग्लिश में कहते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। ध्यान रखना दोस्तों, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, असंवैधानिक नहीं, फिर संविधान का विरोधी होता है वो असंवैधानिक है। यहां क्या है? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी जो सही में संविधान में नहीं है, संविधान के अलावा है, संविधान के इतर है। इसका मतलब है न संविधान के अनुच्छेद में है, न संविधान किसी भाग में है, न संविधान किसी अनुसूची में है, यही संविधान है। संविधान मतलब अनुसूची, संविधान का मतलब भाग, संविधान का मतलब अनुच्छेद, जो कहीं पे नहीं है वही संविधान। तो संविधानेतर का मतलब संविधान में नहीं है तो उसमें क्या है? जो संविधान में नहीं होगा या तो संसदीय विधि के द्वारा बनेगा, जैसा कि क्षेत्रीय परिषद। याद रखो दोस्तों, संसदीय विधियां हैं वो संविधान में तो नहीं है, वो आर्टिकल थोड़ी है, भाग नहीं है। और दूसरी बात है, इसका मतलब जिसे हम स्टेचुटरी कहते हैं वो संविधानेतर है, संविधान के अलावा चीजें हैं। तो क्षेत्रीय परिषद क्या होगी? संविधानेतर, लिखने की बात है। क्षेत्रीय परिषद को स्टेचुटरी भी कह सकते हो, क्षेत्रीय परिषद को संविधानेतर भी कह सकते हो, आशय की है, संविधान में तो नहीं है, विधि में है। और बच्चों ये भी बात ध्यान रखने की है कि जो संविधान में नहीं है वो संसदीय विधि में है, पहला हो सकता है। और दूसरा, अब जब सवाल है जो न तो संविधान में है न संसदीय विधि में है, दोनों कंडीशन हो सकती है। जो संविधान में भी नहीं है और जो संसदीय विधि में भी नहीं है, जो संविधान में नहीं है और संसदीय विधि में भी नहीं है, तो वो क्या होगा? वो कहीं न कहीं कार्यपालिका बनाएगी। वो कार्यपालिका द्वारा निर्मित है, वो सरकार द्वारा निर्मित है। जो संसदीय विधि में भी नहीं है वो किसके द्वारा निर्मित है? कार्यपालिका के द्वारा, वो सरकार के द्वारा निर्मित है। मतलब जो कार्यपालिका द्वारा निर्मित है, जो संसदीय विधि में भी नहीं है, जैसे नीति आयोग। तो आप इस बात को याद रखो, इसलिए नीति आयोग। और नीति आयोग क्या होगा दोस्तों? जो संसदीय विधि में नहीं है या कार्यपालिका के द्वारा निर्मित है, मंत्री, कार्यपालिका मतलब मंत्रिपरिषद,
उसे कह सकते हो ये संविधानेतर भी है और विधानेतर भी है। बात को फिर आप याद दिला दे, क्षेत्रीय परिषद क्या है? संविधानेतर तो है, विधानेतर नहीं है, क्योंकि विधान में तो है, विधान में तो है कि वो संसदीय विधि में है। संविधानेतर का मतलब जो संविधान में ना हो, विधानेतर का मतलब जो संसदीय विधि में भी ना हो, और जो संसदीय विधि में भी ना हो क्या होगा? वो कहलाएगा विधानेतर। और जो संसदीय विधि में नहीं है, संविधान में होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जो संसदीय विधि में भी नहीं है, संविधान में नहीं, उसको क्या कहा जाए? संविधानेतर और विधानेतर। जो न विधि में है न संविधान में है, नीति आयोग इसे हम कह सकते हैं। नीति आयोग क्या है? संविधानेतर और विधानेतर। तो सब शब्दों का हेरफेर है, लेकिन ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक संस्थाएं भी हैं, संविधिक संस्थाएं भी हैं, संविधानेतर भी हैं। नीति आयोग भी सहकारिता को बढ़ावा देता है दोस्तों, नीति आयोग भी तो सहकारिता को बढ़ावा देता है, सहयोग को आगे ले जाता है। अब जरा देखो, अब हम देख लें कि जरा ये अंतर्राज्यीय परिषद क्या है, क्षेत्रीय परिषद क्या है, और जरा दोस्तों अंतर्राज्यीय परिषद तुलना कर लें। इसका मतलब आप कहोगे सर कि क्षेत्रीय परिषद ही है और भी कुछ है? अरे और भी है, पूर्वोत्तर परिषद, ये भी सहकारिता को बढ़ावा देता है। पूर्वोत्तर परिषद है ये भी तो। अब आप कहोगे सर ये क्या है, ये भी संविधिक है। पूर्वोत्तर परिषद संसदीय अधिनियम 1971 से बना, और ये क्षेत्रीय परिषद है संसदीय अधिनियम 1956 से बनी। क्योंकि आप याद रखो 1956 एक महत्वपूर्ण परिस्थिति है, जहां हमारे यहाँ राज्यों की सीमाएं चेंज की गई, और 1971 में पूर्वोत्तर राज्य में पूर्वोत्तर परिषद बनी। दोनों संस्थाएं क्या है? संविधिक। नीति आयोग क्या है? न संविधिक है न संवैधानिक है, न संविधिक है न संवैधानिक है। और याद रखो दोस्तों, जो संविधान में नहीं है, संसद के विधि नहीं बनाया है, तो कार्यपालिका बनाएगी, सरकार बना देगी। ये सब सहकारिता के मंच है, ये सहकारी संघवाद है। इसे दोस्तों हमारे यहाँ संविधान में भी है, विधि में भी है, व्यवहार में भी है। तो सहयोग हर जगह है, यानी सबका साथ सबका विकास, सहकारिता के पूरे प्रावधान कर दिए गए हैं। अब जरा हम देख लें कैसे इन संस्थाओं का काम होता है, कैसे आपस में कोऑपरेट करती हैं ये। तो अब बच्चों जरा देखो कि कैसे उनमें कौन कौन है, कैसे उनकी संरचना है, तभी तो हम देखें कार्य क्या है। और बहुत ध्यान रखने की बात है, संविधान में हमारी हर चीज बड़ी लॉजिकल लिखी गई है, यानी जैसे सदस्य होंगे वैसा कार्य होगा। इसे कभी ध्यान से देखना, अलग अलग उम्र है, सांसद होने की उम्र अलग है, राष्ट्रपति होने की उम्र अलग है, तो इसके सब तर्क तो है ना दोस्तों। तो अब जरा देखो, अब हम देखेंगे अंतर्राज्यीय परिषद और क्षेत्रीय परिषद, अब जरा इनकी तुलना कर लें। अब देखो जरा दोस्तों, अंतर्राज्यीय परिषद में कौन होता है और फिर उनके काम क्या है, और हम तुलना कर लें कि कैसे अंतर्राज्यीय परिषद में कौन है, फिर जीएसटी काउंसिल में कौन है, जीएसटी परिषद में कौन है, फिर हम देखें क्षेत्रीय परिषद में कौन है। क्योंकि ये बात तुम्हें समझ में आ गई, ये सहयोग बढ़ावा दिया जाता है। अब थोड़ा थोड़ा काम का अलगाव हम देख सकते हैं कि भाई पूर्वोत्तर परिषद में तो पहले जरा देखें दोस्तों, अंतर्राज्यीय परिषद में आप देखो मुखिया प्रधानमंत्री है, मुखिया प्रधानमंत्री है। अब आप देखो, मैं आपको संरचना बता रहा हूं कि क्या क्या स्ट्रक्चर है, कंपेयर कर लोगे तो कंफ्यूजन कम से कम रहेगा। कार्य उसी के साथ आप देख सकते हो, यहां प्रधानमंत्री है, फिर अंतर्राज्यीय परिषद में संघ सरकार के 6 मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, जो स्वाभाविक रूप में प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत होंगे। 6 मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, फिर
राज्यों के मुख्यमंत्री, 28 राज्यों के मुख्यमंत्री। अब जरा देखो, सब लोग एक साथ बैठ रहे हैं, नहीं तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कहाँ है? मुख्यमंत्री कोलकाता में बैठा हुआ है, प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठा हुआ है, दोस्तों मिलना जुलना तो बनता है भाई, पार्टनर है। संघीय शासन में क्या है, पार्टनर ही तो है। जैसे हमारा रूममेट है तो भाई मिले जुले का, नहीं तो कैसे हिसाब किताब होगा, आलू गोभी टमाटर कैसे आएगा? तो मिलना तो जरूरी है राज्य के मुख्यमंत्री। लेकिन हमारे यहाँ देखो ये भी है कि ऐसे केंद्र शासित क्षेत्र जहाँ मुख्यमंत्री है, क्योंकि हमारे यहाँ केंद्र शासित क्षेत्र के मुख्यमंत्री हमारे यहाँ फिलहाल जहां पे मुख्यमंत्री हैं वहां पे दिल्ली है, पुडुचेरी है, कश्मीर में चुनाव भी हुआ नहीं है, कश्मीर भी केंद्र शासित क्षेत्र ही बन गया है। तो फिलहाल यानी पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री दो केंद्र शासित क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे अभी मुख्यमंत्री फिलहाल हैं। और केंद्र शासित क्षेत्रों के प्रशासक, बाकी केंद्र शासित क्षेत्रों के प्रशासक ये लोग अंतर्राज्यीय परिषद में होंगे। और अभी हाल में एक चेंज किया गया है और संघ सरकार ने कहा है, इसके अलावा संघ सरकार के कैबिनेट के मंत्रिमंडल के 10 सदस्य इनमें इनको परमानेंटली इन्वाइट किया जाएगा। अभी चेंज है, 6 मंत्रिमंडल के मेंबर तो होंगे ही, बाकी 10 सदस्यों को परमानेंटली इन्वाइट किया जाएगा। जरा देखो दोस्तों, अब सवाल है ये लोग मिलकर क्या करेंगे? अब काम भी से देख सकते हो, अगर कितनी बड़ी बात है, संघ भी साथ बैठ रहा है, राज्य भी साथ साथ बैठ रहा है, यही तो सहकारिता है दोस्तों। नहीं तो ऐसा सकती है, राजन कोई दिल्ली में बैठा हुआ है, कोई हैदराबाद में है, कोई मुंबई में है। अरे दोस्तों, देश की समस्याएं तो एक ही जैसी है, एक ही जनता पर काम करना है, तो आपस में सहयोग कैसे नहीं कर ले? इसलिए कई बार आप देखोगे राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर झगड़ा हो जाता है, अनुच्छेद 200 को लेकर झगड़े हो जाते हैं। अरे भाई, यहां पर बैठ के हम क्यों नहीं विचार कर लें? पानी को लेकर झगड़ा, पर कमाल की बात है यार, पानी को लेकर झगड़ा हो जा रहा है राज्यों के बीच में। तो आखिर में ये संस्थाएं बनाई तो हुई है। इसलिए दोस्तों, आप अनुच्छेद 263 में देखोगे, जैसा काम होगा अब आपको वैसे ही संरचना होगी। तो काम थोड़ा फिर रुक के देखिए, पहले संरचना कंपेयर कर लें कौन कौन इसमें है। और आप देखो जीएसटी परिषद में कौन है दोस्तों, आर्टिकल 279 में लिखा गया है संघ सरकार का वित्त मंत्री, संघ सरकार का वित्त मंत्री, यहां प्रधानमंत्री नहीं है। और फिर उसके बाद वित्त राज्य मंत्री संघ सरकार का ही। दोस्तों, वित्त राज्य मंत्री का मतलब राज्यों का मंत्री नहीं होता। वित्त राज्य मंत्री का मतलब यह ना समझा जाए कि मध्य प्रदेश का मंत्री, बिहार का मंत्री, यूपी का मंत्री, नहीं नहीं बच्चों, वित्त राज्य मंत्री का मतलब होता है, यहाँ राज्य का मतलब क्या है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट का मतलब है डिपार्टमेंट, स्टेट का मतलब डिपार्टमेंट होता है, स्टेट का मतलब राज्य होता है। कई बार लोग कहते हैं हमारा स्टेट ऑफ माइंड क्या है, स्टेट ऑफ माइंड का मतलब हमारा राज्य थोड़े है, मनस्थिति क्या है, एक ही शब्द को प्रयोग अलग अलग करते हैं। तो राज्य मंत्री का कभी मतलब ये मत समझ लो कि उत्तर प्रदेश का मंत्री, बिहार का मंत्री, ये संघ सरकार के मंत्री, मोदी सरकार के मंत्री है। लेकिन राज्य मंत्री क्यों है, क्योंकि अब वित्त मंत्री है, वित्त मंत्रालय के, दोस्तों कितना बड़ा मंत्रालय है वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट जो है वो 5 है। अब वित्त मंत्रालय के 5 डिपार्टमेंट है, वही किसी एक डिपार्टमेंट का काम किसी जिस मंत्री को दे दिया गया उसे कहते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। और जो पूरे मंत्रालय को देखता है वो निर्मला सीतारमण है। तो निर्मला सीतारमण कह देंगे किसी मंत्री को, कैसा है मंत्री महोदय, आप थोड़ा भाई वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट कौन से है, इकोनॉमिक अफेयर, राजस्व का मामला, सब अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो सब जब किसी एक डिपार्ट इसी मंत्रालय के एक डिपार्टमेंट के काम को किसी मंत्री को दे दिया जाए, जूनियर मंत्री को दे दिया जाए, जो कैबिनेट मंत्री का जूनियर होता है उसे कह दिया गया राज्य मंत्री, वित्त राज्य मंत्री हो गया। उसके बाद
राज्यों के वित्त मंत्री या राजस्व को देखने वाले मंत्री। राजस्व को देखने वाले मंत्री। अब दोस्तों बात ध्यान में रखने की है, ये अनुच्छेद 279A में जहां जीएसटी काउंसिल की बात की गई, अब जरा सोच के देखो संघ राज्य फिर यहां बैठ गए, यहां भी यही कॉपरेशन है या फिर दोनों इकट्ठे बैठ गए। अब बात ये ध्यान रखने की है 279A में जीएसटी काउंसिल की बैठकों में केंद्र शासित क्षेत्रों का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन व्यवहार में केंद्र शासित क्षेत्रों को ही बुलाया जाता है, बस ये बात ध्यान रखना है। आर्टिकल 279A में नहीं है केंद्र शासित क्षेत्र के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित क्षेत्र के प्रशासक, ये बात नहीं है। हाँ व्यवहार में बुला लिया जाता है, क्योंकि संविधान में कई बार जो चीजें नहीं लिखी जाती उसके हिसाब से कार्यपालिका या संसद कोई प्रावधान बना भी सकती है, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। पहली बात ये हो गया, तो जीएसटी परिषद हो गई, अब उसके बाद क्या है क्षेत्रीय परिषद। अब क्षेत्रीय परिषद भारत में 5 है, 1956 में बनी, इसलिए दोस्तों एक जीएस के स्टूडेंट होने के नाते हमें जानना चाहिए क्योंकि जोन में है भाई। अब क्षेत्रीय परिषद भारत में 5 है, क्षेत्रीय परिषद का मतलब पहला पूर्व, दूसरा पश्चिम, फिर मध्य, फिर उत्तर, दक्षिण, पूरे भारत को 5 जोन में बांट दिया गया और 5 जोन में अलग अलग राज्यों को रख दिया गया। और कुछ राज्य तो बड़े स्पष्ट होते हैं, जैसे कि उड़ीसा पूर्व जोन में आएगा, महाराष्ट्र पश्चिम जोन में आएगा, तमिलनाडु दक्षिण जोन में आएगा। तो कुछ राज्य बड़े स्पष्ट है, कुछ राज्यों की स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ाती है, और लेकिन इन सभी जोनल काउंसिल की संरचना एक जैसी है, क्योंकि तो सभी जोनल काउंसिल का पदेन अध्यक्ष संघ सरकार का गृह मंत्री होता है। ये बात ध्यान रखने की, सभी पांचों का संरचना एक ही है, यानी हर संरचना चाहे उत्तर हो चाहे दक्षिण हो चाहे पूर्व पश्चिम मध्य, हर काउंसिल का पदेन अध्यक्ष गृह मंत्री, उसके बाद संबंधित सभी जोन के, जिस जोन में होगा पूर्व का होगा पूर्व का यहाँ पे होगा, जोन के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री उस जोन के, क्योंकि अगर 4 राज्य किसी जोन में है तो 4 राज्यों के मुख्यमंत्री, जो जोनल काउंसिल के उपाध्यक्ष रूप में भी काम करते हैं और अल्फाबेटिकली एक एक साल के लिए उनका निर्वाचन उनका चयन होता रहता है। तो गृहमंत्री नहीं भी है तो भी उपाध्यक्ष काम कर लेता है, और जोन के प्रत्येक राज्य के 2 अन्य मंत्री। जोन के प्रत्येक राज्य के 2 अन्य मंत्री, उसके अलावा इसमें कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल होते हैं। और आप कहोगे भाई उस जोन के केंद्र शासित क्षेत्रों के प्रशासक या मंत्री, अगर उस जोन में कोई केंद्र शासित क्षेत्र है, केंद्र शासित क्षेत्र के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं है तो प्रशासक, क्योंकि हर केंद्र शासित क्षेत्र में तो विधानसभा है नहीं, और जहां विधानसभा नहीं रहेगी ना वहां तो मंत्रिमंडल आएगा ना मुख्यमंत्री आएगा, ये बहुत लॉजिकल है। और लास्ट में कुछ अधिकारियों को भी यहां शामिल किया गया है, क्योंकि जोनल काउंसिल में किन किन अधिकारियों को शामिल किया गया है तो आप देखोगे प्रशासनिक अधिकारी में कौन है, उस राज्य प्रत्येक राज्य का मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, प्रत्येक राज्य का मुख्य सचिव, प्रत्येक राज्य का विकास आयुक्त, ये क्या है, ये क्षेत्रीय परिषदों में शामिल है। मुख्य सचिव है, विकास आयुक्त है, ये क्षेत्रीय परिषदों में शामिल है। इसका मतलब है कि ये इनको वोटिंग का राइट नहीं है, ये एसोसिएट मेंबर है, संयुक्त मेंबर है, लेकिन ध्यान में देने की बात है कि जीएसटी परिषद में या अंतर्राज्यीय परिषद में इन प्रशासनिक अधिकारियों को शामिल नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि जोनल काउंसिल का जो काम होगा वह अंतर्राज्यीय परिषद जैसा नहीं होगा,
ये तो लॉजिकल, इसलिए पढ़ते समय भी थोड़ा लॉजिक का प्रयोग करो। ये नहीं कि बिल्कुल दिमाग बंद करके रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, कुछ चीज़ भूलेंगी। क्योंकि आप याद रखो बच्चों, जैसे जैसे आप बढ़ते हो समझने की क्षमता बढ़ती है, रटने की क्षमता घटती है। तो अगर आप अच्छे से दिमाग लगा के पढ़ोगे तो चीज़ें इंटरेस्टिंग भी रहेंगी। इसका मतलब सभी जो, चाहे पूरब हो इसकी संरचना यही है, पश्चिम हो तो भी इसकी संरचना यही है। यानी बस पश्चिम होगा तो राज्य के मुख्यमंत्री बदल जाएंगे। लेकिन एक बात, हर जोन काउंसिल का चेयरपर्सन कौन होगा? गृहमंत्री, मुख्य सचिव विकास आयोग थी इसमें शामिल होंगे, जो एसोसिएट मेंबर होंगे। इसका मतलब है अब गृहमंत्री संघ सरकार का, बाकी राज्य के मुख्यमंत्री। और जोन में देशों भाग को इसलिए बांटा गया है दोस्तों, क्योंकि अब देखिए कार्य भी नहीं, बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जोन में बांटा इसलिए गया। अरे भाई, दक्षिण की समस्या अलग है, पूर्व की समस्या अलग है, पश्चिम की समस्या अलग हिंदुस्तान में। तो इसीलिए आप देखो जैसे मेंबरशिप होगी वैसे कार्य होंगे। जैसे अब यहां ध्यान देने की बात है, प्रधानमंत्री नहीं है जीएसटी काउंसिल में, यहां प्रधानमंत्री नहीं है, यहां गृहमंत्री है, यहां भी प्रधानमंत्री नहीं है। लेकिन आप जानते हो गृहमंत्री का मतलब है संघ सरकार का रिप्रेजेंटेशन तो ही है। अब जरा देखें पूर्वोत्तर परिषद, तो पूर्वोत्तर परिषद में तो अब जरा देख लें दोस्तों, पूर्वोत्तर परिषद में कौन है? अब जरा देखें पूर्वोत्तर परिषद में, तो पूर्वोत्तर परिषद में जो एक्ट है, संसदीय एक्ट है 1971 में, जो संसद ने एक्ट बनाया, और 1972 में पूर्वोत्तर परिषद गठन हुआ। क्योंकि बात तो आप जानते हो, संसद के अधिनियम बनाने और संस्था के अस्तित्व में आने में थोड़ा अंतर हो सकता है। और जरा देखो दोस्तों भारत कितना विशाल है, क्या क्या वंडरफुल देश है। पूर्वोत्तर भारत बिल्कुल निराला है, हमारे यहाँ इतनी विविधता है आप देख के दंग रह जाओगे। पूर्वोत्तर, अभी हमारे यहाँ मिजोरम में एक परिवार था जिसके 300 सदस्य थे, उस परिवार के भी मुखिया की मृत्यु हो गई, उसके 30 से ज्यादा पत्नियां थी। यानी पूर्वोत्तर में कभी आप जाओ, पूर्वोत्तर में जनजातीय क्षेत्र है, यानी बिल्कुल परंपराएं प्रथाएं बिल्कुल शेष भारत से अलग आपको दिखेगी। अभी जंगलों में बाकायदा ही अपना नृत्य गायन करके पूरा कल्चर चला रहे हैं, यानी आप बिल्कुल दंग रह जाओगे देख के। पूरा एक अनूठा भारत है, अनूठा भाई, पूरा अनूठा भारत है, जहाँ पे नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। और आप वैसे भी देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में उनको पहले से विशेष स्थान दिया गया था, और इसलिए हमारे संविधान में भी उनको छठी अनुसूची में रखा गया है। भाई पांचवी छठी अनुसूची भी आपको बता देंगे संघीय शासन में। तो ये बात दोस्तों ध्यान में रखने की है कि हमारे पूर्वोत्तर राज्य कल्चरली सांस्कृतिक रूप में पृथक है। अब वहाँ थोड़ी पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल हो गया। वहाँ पे जनजातीय आबादी शुरू से रही है, यानी इन राज्यों में जनजातीय आबादी तो कई कई राज्यों में, तो मिजोरम में, मेघालय में 80% है। और क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हुए राज्य हैं, इसलिए उनकी परिस्थितियाँ लगा जाती हैं। तो इसलिए हमने उनके लिए अलग परिषद का निर्माण किया, और इसलिए इन राज्यों के लिए छठी अनुसूची संविधान बनाई गई है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सोच के देखो दोस्तों भाई, आपको आपके दिमाग में होगा कि हर राज्यों के लिए तो क्षेत्रीय परिषद एक साथ बना रहे थे, तो उसी समय नॉर्थ ईस्ट बना लिया होता। लेकिन यही तो भारत की विविधता है, विशालता है, कमाल का। और अभी भी आप देखो नॉर्थ ईस्ट में जब कबीलों का सरदार चलता है, वहां एक कबीले होंगे, कबीलों का सरदार होगा। और यही ध्यान देने की बात है दोस्तों, ये लड़ाकू रेस के लोग हैं, मार्शल रेस के लोग हैं ये, तो बड़े सीधे साधे का लड़ने पर आमादा हो जाए। समझ लो कि उनके त्योहार वगैरह होते हैं तो भाले मारने खेल होता है, और भाले मारने खेल होगा जहाँ पे एक व्यक्ति आमने सामने होगा, एक भाला मारेगा उसका हट नहीं सकता, चाहे मर ही जाए। तो ये अपने आप में इंडिया है, तो इंडिया तो वंडरलैंड है दोस्तों। अब ऐसे देश में, विविधतापूर्ण देश में, फिर संविधान निर्माताओं ने सोचा भाई सबको कैसे साथ जोड़ा जाए। हमने पहले बताया दोस्तों, संघवाद एक क्या है, ज्वाइंट फैमिली है, और ज्वाइंट फैमिली में सबको साथ ले चलना बड़ा कठिन है। ज्वाइंट फैमिली में सबको साथ बांधे रखना भाई कठिनाई तो होती है, कठिन काम है। इधर क्या हुआ, पूर्वोत्तर परिषद में जो एक्ट बनाया गया उसके हिसाब से ये कहा गया है कि अधिनियम में लिखा गया कि राष्ट्रपति इसके मुखिया का नियुक्ति करेगा, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यक्ष नियुक्त की जाएगी।
एक्ट में लिखा गया है, लेकिन व्यवहार में राष्ट्रपति किसे कर रहा है? तो व्यवहार में यहाँ का भी मुखिया है गृह मंत्री। तो ये बात आपको, गृह मंत्री यहाँ का भी पदेन अध्यक्ष होता है। पदेन का मतलब दोस्तों एक पद पर रहने के कारण कोई दूसरा पद मिल जाए। अब जो डीएम है उस कलेक्टर का पद अपने आप मिल गया, पदेन राजस्व कलेक्ट करना, मजिस्ट्रेट का मतलब लोक व्यवस्था देखना, एक पद पर रहने के कारण दूसरा पद होना, दूल्हे बनने के कारण जीजा का पद अपने आप मिल गया, एक पति बनने के साथ दूसरा पद, एक स्ट्राइक के साथ एक फ्री पदेन। तो गृह मंत्री यहां होगा, लेकिन अगर कभी आपको पीटी एग्जाम में आ जाए तो आप देखना अधिनियम में लिखा गया राष्ट्रपति के द्वारा अध्यक्ष नियुक्ति होगी, फिलहाल अभी गृह मंत्री है। उसके अलावा इसमें राज्यपाल भी है, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल। देखो इसमें 200 चेंज हो गया, इधर किसी भी परिषद में राज्यपाल नहीं है। आप पूछोगे कि यार यहाँ राज्यपाल क्यों है, तो दोस्तों आपको याद दिला दें यहाँ राज्यपाल इसलिए है कि पूर्वोत्तर परिषद में राज्यपालों को विशेष दायित्व तो दिया गया है, और आर्टिकल 371 के अनेक क्लॉज में तो राज्यपाल को तो भी 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची आपको बता देंगे, राज्यपाल को तो ये हैसियत दी गई है यहाँ किसी भी विधि को इस क्षेत्र में चाहे संसद बनाया हो चाहे विधानसभा बनाने बनाया हो, बाकायदा इस विधि को लागू होने से वो यहाँ रोक सकता है। राज्यपाल के यहाँ विशेष भूमिका है, इस वजह से राज्यपाल को भी रखा गया है। और फिर प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री, प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री, और उसके अलावा संघ सरकार के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत 3 सदस्य, और वो 3 सदस्य कहीं न कहीं सामाजिक आर्थिक विकास या योजना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेंगे। इसलिए अब देखो जरा ध्यान से देखो दोस्तों, अब यहाँ पे राज्यपाल है, यहाँ राज्यपाल नहीं है, यहाँ प्रशासनिक अधिकारी है, यहाँ प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, यहाँ प्रधानमंत्री है, यहाँ प्रधानमंत्री नहीं है। यानी संघ सरकार के अनेक इंस्टीट्यूशन है, लेकिन हकीकत की बात है संरचनाएं अलग अलग है, संरचनाएं अलग अलग है। अब संरचना इसलिए अलग अलग है, कार्य अलग अलग है। कार्य कैसे अलग है जरा देखें, संरचना इसलिए अलग अलग है क्योंकि कार्य अलग है। तो दोस्तों जरा देखिए अंतर्राज्यीय परिषद के कार्य क्या है, आर्टिकल 263 में लिखा गया है दोस्तों कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति करेगा यदि उसको लगता है कि इससे सार्वजनिक हितों की पूर्ति होगी। सार्वजनिक हित जो शब्द है, संघ का हित नहीं, राज्य का हित, पब्लिक इंटरेस्ट। इस शब्द को हमारे संघीय व्यवस्था में बार बार कहा जाता है राष्ट्रीय हित, सार्वजनिक हित, ये शब्द बार बार आते हैं। तो 263 में कहा गया है कि राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करेगा सार्वजनिक हितों की प्राप्ति के लिए, लेकिन 263 में पहले से था, लेकिन ये बनी संस्था 1990 में बीबी सिंह ने बनाई। अंतर्राज्यीय परिषद गठन पहली बार किया, और आप कहोगे 90 में क्यों बना, क्योंकि बात ध्यान में रखने की दोस्तों इंदिरा गांधी सरकार जब सत्ता में थी तब उन्होंने केंद्र संबंधों की जांच के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया था, रंजीत सिंह सरकारिया, बहुत बड़ी घटना थी। पहली बार ये हुआ कि भाई केंद्र राज्य संबंध थोड़ा जांचा जाए क्या मामला चल रहा है, देखा जाए। तो सरकारी आयोग, तो सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, इंदिरा गांधी ने बनाई सरकारी आयोग, रिपोर्ट दिया 1988 में, और सरकारी आयोग ने कहा कि भाई सहकारिता बढ़ाओ, सहयोग बढ़ाओ। तो सहकारी से पूछा आप बताओ कैसे सहयोग बढ़ाए, तो उनका अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण कर लो, क्यों नहीं बनाया है। और बीपी सिंह सरकार जो कांग्रेस सरकार थी नहीं, तो अब जानते हो बीपी सिंह ने यह बताने का प्रयास किया देखो भाई कांग्रेस तो वैसे भी राज्यों की अपेक्षा करती है, हम अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करेंगे। इसलिए गठन हुआ 1990 में, बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, और जिस समय भारत में एक दौर था दोस्तों, भारत में दौर ये था, ये टेलीविजन का प्रभाव पड़ रहा था, पहली बार रामायण नामक सीरियल टीवी पर आ रहा था, और भारत एक नए युग में प्रवेश करने वाला था उदारीकरण के माध्यम से।
इस 1990 में अंतर्राज्य परिषद का निर्माण हुआ, लेकिन अंतर्राज्य परिषद को राष्ट्रपति क्या कर्तव्य देगा, राष्ट्रपति के द्वारा क्या काम दिया जाएगा, वो आर्टिकल 263 में लिखा गया है कि राज्यों के बीच या संघ राज्य के बीच, संघ एवं राज्य के बीच, संघ राज्य के बीच विद्यमान विवादों विवादों की जांच करना और उन पर सलाह देना। और फिर ये बात कही गई 263 में कि संघ और राज्य अथवा विभिन्न राज्यों के बीच, संघ और राज्य अथवा विभिन्न राज्यों के बीच साझे हितों की खोज करना, साझे हितों की खोज करना और उस पर कार्य करना, और फिर उपरोक्त विषयों पर नीति निर्माण करना। ये काम दिया गया अंतर्राज्य परिषद को। देखो, संघ राज्य के बीच विवादों की जांच करना, वो तो बड़ी ध्यान देने की बात है। हमारे यहाँ उच्चतम न्यायालय सील्ड बनता है, अरे संघीय विवादों को हल करने के लिए आर्टिकल 131 में उच्चतम न्यायालय है, और संघीय विवाद आप जानते हैं केवल उच्चतम न्यायालय हल करता है। बात ध्यान सुनने की दोस्तों, संघीय न्यायालय उच्च न्यायालय में नहीं जाएगा, संघीय विवाद उच्च न्यायालय में नहीं, राज्य राज्य के बीच का विवाद संघीय विवाद, दिल्ली और संघ के बीच का विवाद संघीय विवाद नहीं होगा, उत्तर प्रदेश बिहार के बीच का विवाद संघीय विवाद, पश्चिम बंगाल संघ सरकार के बीच का विवाद संघीय विवाद, और उसके लिए तो उच्चतम न्यायालय बन गया है। तो फिर लेकिन अंतर्राज्यीय परिषद, खास बात यह है अंतर्राज्यीय परिषद भी इसको हल करेगी। इसका मतलब है हर विवाद उच्चतम न्यायालय में जाए जरूरी नहीं है, क्योंकि हकीकत की बात यह है कि संघ राज्य के बीच ज्यादातर झगड़े तो राजनीतिक किस्म के हैं, तो न्यायालय क्या हल करेगा दोस्तों? झगड़े अगर राजनीतिक है तो राजनीतिक झगड़ों को हल करने के लिए ऐसे मंच बना दिए जाए अंतर्राज्यीय परिषद। इसीलिए अब जब मान लो राज्यपाल का झगड़ा है, नीट का झगड़ा है, तो इसके लिए यही तो संघ राज्य के झगड़े हैं, और हकीकत की बात है इसी में तो कॉपरेशन होना चाहिए। इसलिए संघ राज्य के विभिन्न राज्य, संघ राज्य विभिन्न राज्यों के बीच साझे हित, कॉमन इंटरेस्ट, ये सहकारिता है दोस्तों। अरे केवल विभाजन नहीं है, कॉमन इंटरेस्ट भी तो है, शिक्षा के स्तर भारत में हो, उग्रवाद की समस्या ना हो। दोस्तों आप देखोगे संघ राज्य के बीच सहकारिता के अभाव का ही कारण है कि भारत में उग्रवाद बहुत बड़ा हो। वीरप्पन मूवी कभी देखना, तो वीरप्पन को हम इसलिए नहीं पकड़ पाते थे क्योंकि वो कर्नाटक से तमिलनाडु भाग जाता था, और कर्नाटका की पुलिस के साथ तमिलनाडु पुलिस सहयोग नहीं करती थी। हैरानी की बात यह है कि भारत में माओवाद बढ़ने का यही बहुत बड़ा कारण रहा है कि अब माओवादी भाग गए छत्तीसगढ़ से झारखंड, झारखंड से इधर, तो एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस के बीच सहयोग होता ही नहीं था भाई। ये तो साझे हित है दोस्तों। और कई बार तो, कई बार बच्चों क्या बताऊं मैं, संघ राज्य के झगड़े चक्कर में बच्चों का बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि अब मान लो कि कोई राज्य कहे अपना पाठ्यक्रम हम बनाएंगे, यूजीसी का पाठ्यक्रम नहीं मानेंगे, संघ की बात नहीं मानेंगे। दोस्तों बच्चों को तो जो एग्जाम देना है, आईएएस देना है, आईआईटी के एग्जाम देना है, वो तो संघ सरकार ही ले रही है, और आप राज्य के चक्कर में अलग पढ़ाए जा रहे हो, तो अंतिम तो बच्चों को नुकसान हो गया। इसीलिए दोस्तों साझे हित क्या है, शिक्षा का स्तर होना, साझे हित क्या है, उग्रवाद की समस्या होना, साझे हित क्या है, देश का आर्थिक विकास होना, ये साझे हित तो है, तो कॉपरेशन क्यों नहीं करते? और फिर नीति निर्माण के रूप में उपरोक्त विषय में कोई भी पॉलिसी मेकिंग हो, तो फिर अंतर्राज्यीय परिषद कहे कि भाई ऐसी का बना लो यार, ऐसी नीति, शिक्षा नीति। इसलिए संघ राज्य के बीच कोई झगड़ा हो तो बिलावज हम उच्चतम न्यायालय जाते हैं। संविधान निर्माताओं ने तो बाकायदा प्रावधान कर रखा है कि भैया आओ मामले हल कर लो, इसी अंतर्राज्यीय परिषद का ये काम है। जैसी संरचना वैसे काम, लेकिन जब आप क्षेत्रीय परिषदों पर आएंगे, पूर्वोत्तर परिषद पर, तब उनके काम अलग हो जाएंगे। अब दोस्तों देखो क्षेत्रीय परिषद काम क्या है, अब आप जानते हो कि 1956 में भारत का विभाजन हुआ, करीब 1947 में भारत का बंटवारा हुआ, वो धर्म के आधार पर हो गया, और उसके बाद तो जब भारत आजाद हुआ तो
सबसे बड़ा मुद्दा जो है भाषा का, लैंग्वेज। तो आज तो आप देखते हो कि हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा है, संघ सरकार की आधिकारिक भाषा हिंदी है, आर्टिकल 343 के अनुसार। अब संघ सरकार की आधिकारिक भाषा हिंदी है तो राज्यों ने कहा भाई हम भी अपनी आधिकारिक भाषा अपनाएंगे। तो 1956 में भारत के राज्यों का निर्माण भाषाई आधार पर करना पड़ा, फजल अली रिकमेंडेशन कारण। फजल अली आयोग पहला राज्य पुनर्गठन आयोग, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फजल अली आयोग पहला राज्य पुनर्गठन आयोग था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था, उसने कहा कि भारत में राज्यों का निर्माण भाषाई आधार पर किया जाए। यद्यपि उसने कहा भाषा एकमात्र आधार नहीं है, भाषा को एकमात्र आधार नहीं बनाया, प्राथमिक भी नहीं बनाया, लेकिन व्यवहारिक रूप में भाषा आधार पर राज्य का निर्माण हुआ। क्योंकि दोस्तों आप याद रखो संविधान सभा बैठी थी, बड़े जंग बड़े पद को कैसे देश के सामने समस्या आती है, डेमोक्रेसी इन समस्या का समाधान कैसे करते हैं, ये भी दिलचस्प है। और इधर संविधान सभा बैठी थी, हिंदी वाले कह रहे थे हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, और उधर दक्षिण भारत के लोग कह रहे थे इंग्लिश एबर हिंदी नेबर। सब पॉलिटिक्स थी सर, भाई देखो पॉलिटिक्स में से चलता है। ऐसा नहीं था कि लोग भारत भाषा के विरोधी थे, लेकिन सरकारें सबकी अपनी अपनी पॉलिटिक्स थी। और उसी समय संविधान सभा में बहस हो रही थी, उत्तर भारत की सीएस ने कहा कि हिंदी आधिकारिक भाषा होनी चाहिए, दक्षिण भारत का सीएस उठ खड़ा हुआ क्यों होनी चाहिए आधिकारिक भाषा, क्योंकि हिंदी ज्यादा लोग बोलते हैं। तो उसने कहा ये बताओ भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, उन्होंने कहा कि मोर है, कहा कौआ ज्यादा है तो कौआ राष्ट्रीय पक्षी होना चाहिए। इस तरीके की बहसें जारी थी और उसने भारत में भाषाई समस्या विद्यमान थी। उसी समय 1961 बड़ी जबरदस्त मूवी आई थी एक दूजे के लिए, जिसमें हीरो था दक्षिण भारतीय तमिलियन, हीरोइन थी हिंदी भाषी, और इन दोनों की प्रेम कहानी बड़ी जबरदस्त हिट हुई बिना भाषा जाने। तो ये इंटरेस्टिंग था। तो भाषा आधार पे जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया, तब ऐसा लगा कि भाई ऐसा ना हो कि इसमें विखंडनवाद आ जाए। और दूसरी बात है भाषा के आधार पर राज्य तो बना लिया, अरे दोस्तों राज्य की सामाजिक आर्थिक समस्याएं थोड़ी बदल जाएंगी, अरे राज्य के प्रशासनिक केंद्र बदल जाने से क्या राज्य की सामाजिक आर्थिक समस्याएं बदल जाएंगी, ऐसा तो नहीं होने वाला है। इसलिए क्षेत्रीय परिषदों की नींव रखी गई कि भाई कम से कम सहयोग का बिंदु बनाया जा सके, क्योंकि जो एक भौगोलिक क्षेत्र में राज्य है उनकी समस्याएं एक ही जैसी है। वही ठीक है भाषा के आधार पर राज्य बने गया, क्योंकि कल्चर का मामला व्यक्ति पहचान का मुद्दा है, चलो आपने राज्य बना लिया और ठीक किया, लेकिन थोड़ा सा सहयोग का दरवाजा खोल के रखो, वो बंद मत करो। इसीलिए क्षेत्रीय परिषदों की नींव रखी गई। तो क्षेत्रीय परिषदों का काम क्या है, सामाजिक आर्थिक नियोजन। दोस्तों कितना बड़ा काम रख दिया, देखो अब जो इसे काम अलग भी हो गया सामाजिक आर्थिक नियोजन, अंतर्राज्य परिषद काम सामाजिक आर्थिक नियोजन नहीं है, और भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा और राज्य पुनर्गठन से संबंधित जो भी विवाद हो, जमीन का विवाद हो, राज्य पुनर्गठन से संबंधित विवाद, यानी इसका निर्माण क्यों किया गया, क्षेत्रीय परिषद का निर्माण किया गया, भारत में क्षेत्रवाद भाषावाद प्रांतवाद इन प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाया जा सके। और दूसरी तरह सोच के देखो, अब देखो अंतर्राज्यीय परिषद काम क्षेत्रीय परिषद काम में अलगाव आ जाता है। अब खासतौर पर सामाजिक आर्थिक नियोजन इतना बड़ा शब्द है, शिक्षा देना स्वास्थ्य की सुविधा देना ये सब सामाजिक आर्थिक नियोजन है, यानी कोई भी सामाजिक आर्थिक विकास का मूल काम सामाजिक आर्थिक नियोजन है। इसलिए दोस्तों इसमें अधिकारियों को रखा गया है। अंतर्राज्यीय परिषद का मूल काम क्या, एक तरीके से लिंकिंग बॉडी है संघ राज्य के बीच राज्य राज्य के बीच ये। इसलिए आप देखोगे जो प्रशासनिक अधिकारी इसमें है जिन्हें वोटिंग राइट नहीं है, एसोसिएट मेंबर है, इनका काम सामाजिक आर्थिक विकास, अल्पसंख्यकों के भाषा की रक्षा, परिवहन। और अब देखोगे क्योंकि अब देखो परिवहन की भी तो समस्या है, परिवहन को आगे बढ़ावा देना, कम्युनिकेशन, क्योंकि दोस्तों राज्य अलग बन जाने से अब आप देखते होगे कई बस जा रही है,
बिहार की बस यूपी में जा रही है, यूपी की बस मध्य प्रदेश में जा रही है, और मध्य प्रदेश कह दे कि ना भैया अपनी बस लेके आओ, रातों रात यहाँ से भागो, तुम्हारी बस यहाँ खड़ी नहीं होगी, तो बताओ दोस्तों ये गड़बड़ हो जाएगा। इसे कोऑपरेशन होना चाहिए। अब सामाजिक आर्थिक विकास का मतलब है कि शिक्षा स्वास्थ्य, ये समस्याएं तो पूरे राज्य में एक जैसी है, इसमें कोऑपरेशन क्यों ना करें, ये तो मुद्दा है इसलिए। और भाषाई अल्पसंख्यक का मतलब है कि मान लो कर्नाटका बन गया, क्योंकि एक राज्य एक एक राज्य की भाषा का फार्मूला लगभग नामुमकिन है, और एक राज्य में अल्पसंख्यक भी तो आएंगे दोस्तों। इसे मान लो कर्नाटका में मराठी भाषी हैं तो उनके हितों की रक्षा भी कर्नाटका करे, बेलगांव में, महाराष्ट्र में कन्नड़ी है तो उनके हितों की रक्षा की जाए, और राज्य पुनर्गठन से संबंधित सारे विवाद। तो आप कहोगे सर ये तो अपने आप में एक सब मंच आ गया, तो आखिर में राज्य लड़ते क्यों रहते हैं, यही तो है मामला है दोस्तों। राज्य लड़ते हैं तो पॉलिटिक्स कारण है, नहीं तो हमारे यहाँ सारे तरीके बता दिए हैं भाई कैसे आप आपस में कोऑपरेट करोगे। इसलिए राज्यों के बीच जब सहयोग हुआ तभी तो भारत आगे बढ़ेगा दोस्तों, क्योंकि भारत के एक शरीर है, राज्य के हाथ पांव ये सब अंग है उसके। अरे खिलाड़ी आगे बढ़ेंगे तभी तो टीम इंडिया आगे बढ़ेगी। बाकी दोस्तों, और पूर्वोत्तर परिषद काम बिल्कुल इसी जैसा है, पूर्वोत्तर परिषद काम बिल्कुल इसी जैसा है जैसे क्षेत्रीय परिषद काम है, पूर्वोत्तर परिषद काम है। बाकी जो बचा हुआ है कल।